जो भी गुरु महाराज को मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गुरु महाराज ने जो कहा वो किया, करने की कोशिश कर रहे हैं हम, बट आर वी एक्चुअली फीलिंग कि गुरु महाराज हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक पंजाब के किसी शहर में एक गुरसिख हैं, बड़ी नाम सिमरन करने वाले और बड़ी उच्ची रूह, एंड ही इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर, और वो दुनियावी उससे भी बहुत ज़्यादा हाई रैंक पर रिटायर हुए थे, और उनके कनेक्शन जैसे उनकी पहुंच यहाँ आप ले लो कि जो बड़े बड़े सेक्रेटरीट हैं, चीफ सेक्रेटरी हो गए, ये वो जो बड़े बड़े अहदे पर होते हैं ना लोग, वो उनों को जानते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब उनों की एक बेटी है, उसकी एडमिशन होनी थी कहीं पर, उनों की बेटी, ठीक है। अब एडमिशन जहाँ पर लेनी थी वहाँ पर टेस्ट भी दे दिया, उसके बाद इंटरव्यूज़ भी दे दिए। जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में पता चला कि एक ही सीट बची है और चार कैंडिडेट्स हैं जिन जो सिलेक्ट हुए हैं। चार में से वो सीट तो एक को मिलनी है, ठीक है। अब जो उनकी वाइफ हैं, जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी जो वाइफ हैं वो उनको कहती हैं कि आपकी तो पहुँच ही बहुत है, मतलब MLAs MPs तक आपको जानते हैं, आप सिफारिश लगाओ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि हम जाने ही देना जा सकते, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है कंट्री का, तो आप प्लीज़ कुछ करो। पर वो जो रंगी हुई रूहें होती हैं ना, जो नाम सिमरन, जो गुरु महाराज पे विश्वास रखने वाली, आप गुरु महाराज को अंग संग सहाई मानने वाली जो रूहें होती हैं, वो ना इस तरह की दुनियावी चीज़ों में नहीं पड़ती। वो अपनी वाइफ को पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं सिफारिश करूँ। मैं गुरु महाराज, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पर छोड़ना चाहता हूँ, उनों का मन होगा, मैं उनों को ही अरदास करूँगा कि आप अंग संग सहाई हो, ठीक है। तो उनकी वाइफ जस्ट वैसे ही, क्योंकि बंदा कई बार भावनाओं में होता ना उस तरह की, तो वो कहते ही उनकी वाइफ कि आपका गुरु नानक देव जी के सिवाय और कोई है भी सही? क्योंकि कई बार उस तरह के इमोशंस बने होते हैं, बंदा उस तरह की बात कर जाता है। तो वो पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मेरे हो गए ना, उस दिन दुनिया की एक छिटक की भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। होता क्या है कि रिज़ल्ट का दिन आता है, रिज़ल्ट आता है और गुरु महाराज की कृपा बरसती है, जो उनकी बेटी होती है उसको सीट मिलती है, बाकी तीनों को नहीं। नाउ इट इज़ गुड, राइट, हो गया सब कुछ वधिया एंड ऑल। एक साल के बाद ना, एक साल के बाद क्या होता है कि वो जो परिवार है वो ना उस कॉलेज के डायरेक्टर से मिलते हैं, वैसे ही किसी काम के ज़रिए मिले होंगे। तो वो ना कहते हैं कि हम आपसे एक बात पूछें। वो कहते हैं कि हम क्या आपको याद है कि जब एडमिशन थी पिछले साल इस बैच की, तो एक ही सीट बची थी और चार लोगों में से, चार जो लोग जो डिज़र्व करते थे उसमें से हमारी बेटी को ही कैसे एडमिशन मिल गई? तो डायरेक्टर कहता हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो शायद समा, वो टाइम, वो मीटिंग मैं भी नहीं भूल सकता हूँ। तो उस मीटिंग में ऐसा हुआ क्या? तो वो कहते हैं कि जब हमारी मीटिंग हो रही थी ना, तो हमने सारे क्रेडेंशियल्स देखे और देखा टेस्ट में सारे बहुत वधिया हैं, चारों के चारों बहुत वधिया हैं, इंटरव्यू सारों की बहुत वधिया हुई है, ग्रुप डिस्कशन सारों का बहुत वधिया है, सारी इक्वल स्टैंड पर बैठे, अब दें तो किसको दें सीट, अब सीट एक ही है। तो कहते हैं आपकी बेटी को जब चारों का हमने क्रेडेंशियल सामने रखा, तो चार में से ना आपकी बेटी को छोड़ के जो बाकी तीन है उनकी बहुत सारी सिफारिश आई हुई थी, कोई MLA की आई थी, कोई MP की आई थी, कोई प्रिंसिपल की आई थी, कहीं कहीं से ना सिफारिशें आई हुई थी, बट आपकी बेटी की सिफारिश नहीं आई थी। तो कहते हैं कि फिर मीटिंग जो चल रही थी उसमें सब ने ये डिसाइड किया कि ये डिजर्व करती है, क्योंकि यहां पर सिफारिश नहीं आई इस बच्चे को एडमिशन। ये प्रैक्टिकल एसेंस है गुरु महाराज की गुरबाणी का, जहाँ गुरु महाराज कहते हैं गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिसे सदा संभाले। वो हमारे अंग से, वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। और आप, आई थिंक आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं दिन में ना, जो यू नो आई ट्राई टू कनेक्ट कि नहीं ये मन में आया था, मेरे सामने कैसे चीज़ आ गई, ठीक है, बोला भी नहीं यार अभी मुँह से, अरदास भी नहीं अभी तक की जाके,
वो चीज़ सामने आ जाती है। मैं आपको जैसे बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल मेरी सिंगनी का ही, कि यू ऑल नो राइट कि हमारे जो उस्ताद हैं वो ज्ञानी कुलवंत सिंह जी हैं, पंथ के जो टॉप नॉटक विद्वान हैं उनमें आते हैं ज्ञानी कुलवंत सिंह जी। तो उनों का टाइम मिलना इट्स लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। पंथ के जो सबसे बड़े कारज हैं ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट एक्चुअली, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी हिम, टॉक टू हिम, ठीक है। तो क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, तो कभी कभी हो जाता है कि मौका मिल जाता है, ठीक है, दो चार पाँच मिनट के लिए। तो आई रिमेम्बर ये चीज़ मैंने उनसे भी शेयर की थी कि अब जैसे मेरी सिंगनी है, हमने डिसाइड किया उनों का मोहली के पास ही ना फतेहगढ़ साहिब में ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे में उनकी कथा थी, एंड जो लाइव कथा सुनने का स्वाद होता ना वो टीवी पे नहीं होता, लेट मी टेल यू, ठीक है। सो चाहे ट्रैवलिंग भी करनी पड़े, बट इफ़ यू लाइक लिसनिंग टू समवन ना, यू शुड पुट एफर्ट्स, ठीक है। तो मैंने अपनी सीनियर को कहा कि मैंने कहा हाँ चलो चलेंगे, जैसे होगा चलेंगे, बट उनों का कुछ ऐसे चीज़ अटक गई कि शी कुडंट गो, वो जा नहीं सकते थे। एंड एक दिन पहले या दो दिन पहले की बात है कि उन्होंने मन में आया उन्हों के कि यार काश मैं सुन पाती उन्हों को, मेरा बड़ा दिल है। एंड उसके कुछ देर के बाद वी हैड अदर ट्रेवलिंग्स, तो पंजाब में हम लोग नहीं होते, ठीक है। यार आप लोग बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वो फतेहगढ़ साहब आए हैं, मैंने वैसी ट्राई मारी उसी दिन, मैंने वैसी ट्राई मारी अपनी सिंगनी को बताए बिना, उन्हों के जो पीए हैं, ठीक है, जो मैनेजर हैं उन्हों की संस्था के, मैंने उन्हों को मैसेज किया, मैंने कहा कि कृपा हो सकती है कि ज्ञानी जी फतेहगढ़ साहब तो आ ही रहे हैं, क्या वो मोहल्ली के अराउंड या आ सकते हैं, आ रहे हैं, कुछ प्लान है ऐसा। और उसके दो दिन बाद बहुत बड़े लेवल का समागम था, बहुत बड़ा गुरुद्वारा, बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है मोहाली का, अंब साहिब गुरुद्वारा अंब साहिब, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा समागम वो होता है, ईयरली वंस होता है गुरु हर राय साहिब जी के गुरुपुरब पे, तो वो बहुत बड़ा होता है। और पूरे पंथ के जो टॉप नॉटक सेवादार हैं, कथावाचक, कीर्तनी एंड ऑल, दे कम देयर एंड वो अपना समागम में सेवा निभाते हैं। तो दो दिन पहले की बात है कि 12:30 बजे मेरी सिंगनी ने ये चीज़ बोली कि काश मैं सुन पाती हूँ उनको। 1 बजे मैंने मैसेज किया है, ठीक है, और 5 बजे उनके जो मैनेजर हैं उनका मुझे रिस्पांस आ गया कि 2 दिन के बाद मोहल्ली के गुरुद्वारा अंब साहिब में उनकी इससे इस टाइम कथा है। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा कि ये हमने कुछ दिन पहले ही जाके पोस्टर देखा समागम का, वहाँ पर तो उनकी फ़ोटो नहीं है। 5 बजे जब उनका मैसेज आया ना, ध्यान से समझना ये चीज़, 5 बजे उनका मैसेज आया कि मोहल्ली आ रहे हैं कथा करने, ठीक है। मैंने उनको पोस्टर भेजा, मैंने कहा इसमें फ़ोटो तो है नहीं उनकी, कहते 4 बजे ही एक कथावाचक का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है और गुरुद्वारे के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बेनती की थी, पहले भी की थी, पर ज्ञानी जी क्योंकि बिजी थे इसलिए नहीं आ सकते, बट उन्होंने काफ़ी बेनती की तो उन्होंने स्लॉट दे दिया। 12:30 बजे फुरना आया, 4 बजे प्रोग्राम कैंसिल हुआ, 4:30 बजे के अराउंड 4:30 बजे ज्ञानी जी की टीम ने यस कर दी, 5 बजे मुझे मैसेज आ गया। उसके 2 दिन बाद मेरी सिंगड़ी ने हमने जाके प्रॉपरली ज्ञानी जी सामने कथा कर रहे हैं और हम बैठे हैं, स्वाद आ गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, प्रोग्राम कैंसिल हुआ किसी का, 12:30 फुरना आया, 4 बजे प्रोग्राम कैंसिल हुआ, 5 बजे मुझे मैसेज आ गया कि वो आ रहे हैं। वाहिगुरु, क्या अमेजिंग है यार, मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसे गुरु महाराज हमारे अंग संग साई होते हैं।